तो चलिए पाँच अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं अगर आप हमारी पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने के टॉप सत्तर क्वेश्चनों की वीडियो देखना चाहते हैं अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पे वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं अगर आप हमारे पिछले किसी भी वीडियो की पी डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको बस करना ये है कि इस कोड को स्कैन करके जितने महीने की पीडीएफ चाहिए उतने पे पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है जिसके बाद पीडीएफ फ़ाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे तो चलिए आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो आज पाँच अगस्त है तो चार अगस्त की मैं नहीं कर पाया था तो चार और पाँच दोनों ही दिन के आज मैं डाल रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही ही हमने शामिल किए हैं तो पहला प्रश्न है हरियाणा के किस भाला फेंक खिलाड़ी ने ओलंपिक्स फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा सेना के सूबेदार खंडरा गांव के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने पहले ओलंपिक्स में जापान में खेलते हुए पहले ही प्रयास में छियासी मीटर भाला फेंक कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है फाइनल सात जुलाई को शाम को खेला जाएगा नीरज की तैयारी को देखते हुए वे वे पदक जीतने के प्रबल तो टोक्यो ओलंपिक्स में बुधवार को सोनीपत के गांव नाहरी के बेटे रवि दहिया ने कुश्ती के फाइनल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है कुश्ती के पुरुषों की सतावन किलोग्राम फ्री स्टाइल सेमीफाइनल्स में रवि कुमार दहिया ने नूरी इस्लाम सनायो के खिलाफ जीत दर्ज की है इस जीत के बाद रवि दहिया ने ओलंपिक्स में पदक पक्का कर लिया है पहली बार ओलंपिक्स में खेल रहे सोनीपत के गांव नाहरी के पहलवान रवि दहिया ने सेमीफाइनल्स में कजाकिस्तान के पहलवान को नौ सात से हराकर शान के साथ फाइनल में प्रवेश किया इससे पहले बुधवार सुबह टोक्यो ओलंपिक्स में गांव नाहरी के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रवि दहिया ने क्वालिफाइंग मैच से ही विजय अभियान की शुरुआत की थी रवि ने कोलंबिया के पहलवान को तेरह दो से हराया है इससे कुछ देर बाद ही क्वार्टर फाइनल्स में बुल्गारिया के पहलवान को चौदह दो से हराकर सेमीफाइनल के अंदर अपनी जगह बनाई है रवि को छोटा भाई रवि का छोटा भाई पंकज और चचेरा भाई संजू भी पहलवान ही जो हैं वो करते हैं इसके बाद है हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है तो ये की गई है हर हित स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है इसके तहत प्रदेश के अंदर दो रिटेल स्टोर खोले जाएंगे इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंचना ये संभव देख सकेंगे मुख्यमंत्री ने पंचकुला में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म साथ एवं लघु उद्योग सरकारी सहकारिता संस्थाओं एफपीओ स्वयं सहायता समूह आदि के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करेगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के अंदर अठारह से पैंतीस आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त रोजगार मुक्त बनाना है इसके बाद है हरियाणा के लोगों को 50 फीसदी नौकरियों में आरक्षण देने वाली कंपनियों को हरियाणा सरकार के द्वारा प्रति कर्मचारी कितनी सब्सिडी दी जाएगी तो ये दी जाएगी अड़तालीस हजार सब्सिडी मनोहर सरकार ने हरियाणा के लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियाँ देने के लिए बड़ा कदम उठाया है राज्य सरकार ने हरियाणा के लोगों को 50 फीसदी रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है हरियाणा के युवाओं को देने वाले नए उद्योगों को प्रदेश सरकार सात साल तक हर वर्ष अड़तालीस हजार रुपये प्रति कर्मचारी तक सब्सिडी देगी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने रोजगार सृजन सब्सिडी योजना अधिसूचित कर दी है इस साल पहली जनवरी से यह योजना जो है वो शुरू हो जाएगी और इसका लाभ मिल सकेगा औद्योगिक रूप से बी सी और डी श्रेणी खंडों के कुशल अर्धकुशल अकुशल श्रेणी में हरियाणा के लोगों को 50 फीसदी रोज़गार देने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को सात साल तक अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए छत्तीस हज़ार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लिए तीस हज़ार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी इसके बाद है उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई एक कॉलेजों की रैंकिंग में हरियाणा के किस जिले के कॉलेज को ग्यारहवीं रैंक मिली है तो ये रैंक मिली है अम्बाला के कॉलेज को उच्चतर शिक्षा विभाग ने हरियाणा के सभी एक कॉलेजों की, की रैंकिंग जारी की है हर कॉलेज को विभिन्न स्तर पर चेक किया गया है जिसके बाद इनको रैंकिंग जारी की गई है अम्बाला के अंदर पांच कॉलेज हैं अम्बाला कैंट में अम्बाला शहर शाह शाह शहजादपुर और नारायणगढ़ में लेकिन इनमें एक भी कॉलेज टॉप टेन के अंदर शामिल नहीं हुआ है इन कॉलेजों को अलग अलग स्टार रैंकिंग दी गई है किस क्षेत्र में कॉलेज का क्या स्टेटस है उसको लेकर स्टार रैंकिंग जारी कर दी गई है यह रैंकिंग क्वालिटी एजुकेशन प्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट्स के आधार पर दी गई है इसमें अम्बाला कैंट के राजकीय कॉलेज को ग्यारहवीं रैंक हासिल हुई है इसी तरह राजकीय कॉलेज नारायणगढ़ को बावनवीं राजकीय कॉलेज साहा को 120वीं, राजकीय कॉलेज शहजादपुर को 92 टू एंड की बारहवीं तथा राजकीय कॉलेज अम्बाला शहर को 103वीं रैंक मिली है इसके बाद हाल ही में किसी सहकारिता विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है तो ये सौंपा गया है श्रीनिवास को हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के प्रबंधक निदेशक ए श्रीनिवास को रजिस्ट्रार्ड सहकारी समितियां लगाया गया है साथ ही उन्हें सहकारिता विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है इसके बाद है हरियाणा में निवेश करने वालों के लिए नीट एस जी एस टी के बदले किस योजना को तैयार किया गया है तो ये किया गया है निवेश सब्सिडी राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीट एस जी एस टी के बदले निवेश सब्सिडी की योजना तैयार की है इसके तहत एम एस एम ई को लेकर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट तक सभी को यह सब्सिडी दी जाएगी डिप्टी सीएम जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार है प्रभार भी है इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने जो हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का निर्माण किया है इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है और ऊर्जा युक्त शासन प्रणाली के द्वारा संतुलित क्षेत्रीय और सतत विकास की सुविधा प्रदान करना है इसके बजाय हाल ही में किसे कार्मिक प्रशिक्षण विजिलेंस एवं संसदीय मामले विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है तो यह किया गया है अशोक कुमार मीणा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक और विशेष सचिव तथा मिशन निदेशक राज्य शहरी आजीविका मिशन और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण अशोक कुमार मीणा को कर्मिक प्रशिक्षण विजिलेंस एवं संसदीय मामले विभागों के विशेष सचिव व निदेशक प्रशिक्षण और जांच अधिकारी विजिलेंस लगाया गया है इसके बाद है राह रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित रतन कुमार संभारिया कौन से स्थान पर हैं तो ये हैं चौबीसवें स्थान पर राही रैंकिंग 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में भाड़ावास निवासी हरिणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित रतन कुमार संभारिया चौबीसवें स्थान पर हैं रतन कुमार की रचनाओं को विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है इनकी कहानी लघु कथा एकांकी व नाटक आदि इनकी बहुआयामी सृजन धर्मिता पर तीन दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी एम व पी कर शोध कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान के बतौर उप निदेशक से सेवानिवृत्त से संभारिया अब पूर्ण रूप से साहित्य सज्जन में सदनारत हैं सौ सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार की सूची में पहले स्थान पर चित्रा चित्रामुदगल दूसरे पर काशीनाथ सिंह तीसरे पर सूर्यबाला चौथे पर मैत्री पुष्पा है और पांचवें पर नरसिरा शर्मा रहे हैं इसके बाद है हरियाणा में किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी तो ये दी जाएगी सत्तर प्रतिशत की सब्सिडी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से किसान कम पानी में फसलों का उत्पादन कर सकते हैं इससे पानी की बचत के साथ साथ फसलों की सिंचाई पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर सत्तर प्रतिशत सोलर पंप पर पिचत्तर प्रतिशत तथा मिनी क्रिम्पल्स ड्रिल पर पिचासी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी वाटर टैंक की खुदाई पूरी होने पर सब्सिडी का 20 प्रतिशत वाटर टैंक के निर्माण पूरा होने पर 40 प्रतिशत और लाभान्वित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 40 प्रतिशत हिस्सा भी दिया जाएगा इसके बाद है हाल ही में किसी हरियाणा एवं श्रम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है पंकज अग्रवाल को हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण के सदस्य संजीव पंकज अग्रवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग का आयुक्त एवं सचिव तथा श्रम आयुक्त हरियाणा एवं श्रम विभाग का सचिवालय लगाया गया है इसके बाद है किसे लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है विकास गुप्ता को लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों के महानिदेशक तथा बजट घोषणाओं दो हज़ार की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी विकास गुप्ता को लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों का महानिदेशक और नागरिक संसाधन सूचना डिपोजिटी के लिए प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाए गए हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास बिल 2005 जो कि 12 मई 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इस प्रकार यह एक अधिनियम बन गया था इस अधिनियम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम दो के रूप में नामित किया गया तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं अब हम देख लेते हैं इससे पहली की वीडियो का जो क्वेश्चन था वो क्या था तो वो क्वेश्चन था कि हाल ही में हिसार जिले की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है तो इसका जो राइट आंसर था वो था आदमपुर मंडी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानियों का समय समय पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के मद्देनजर तथा लोगों की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए हिसार जिले के आदमपुर ग्राम पंचायत को अपग्रेड करके नगर पालिका घोषित कर दिया गया है तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन केंद्र सरकार की रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत अब दिल्ली पानीपत रैपिड रेल लाइन के विस्तार को कहाँ तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए कर फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत